चुनाव में हार के बाद भावुक नजर आए नरोत्तम मिश्रा, कार्यकर्ताओं के बीच शायरी के माध्यम से बढ़ाया हौसला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है, लेकिन उनके कई दिग्गज मंत्री चुनाव हार गए। हारे मंत्रियों में गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा भी हैं। हार के बाद उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, इसमें वे चुनाव परिणाम के बाद काफी भावुक दिख रहे हैं। हार के बाद नरोत्तम मिश्रा ने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। जनादेश को स्वीकार करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है मेरा। इसके बाद कहा, समंदर का पानी उतर जाए तो किनारे पर घर मत बना लेना। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, सरकार आपकी, ललकार आपकी और दरकार आपकी है, किंचित भ्रम में मत आ जाना। आप सभी जानते हो मैं ज्यादा शांत रहने वाला जीव नहीं हूँ। उनको भी समय देना चाहिए जो जीत कर आए हैं। मेरा कार्यकर्ता पहले भी मेरी जान से प्रिय था, आज भी मेरी जान से प्रिय है। मैं जीतूं या हारूं, कार्यकर्ताओं में मेरे प्राण बसते हैं, मैं हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, यह आप मानकर चलना कि जनता के लिए उन्हें करने दो, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए मैं करूंगा। आपकी जो भी समस्या होगी वे कार्यकर्ता की नहीं बल्कि नरोत्तम की होगी, उसे मैं पूरा करूंगा। जो जीता है उनको जनता की चिंता करनी होगी, विकास की वे चिंता करें, पुल पुलिया चिंता उन्हें करनी होगी। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में दतिया सीट पर बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र भारती को हराया था। इस बार राजेंद्र भारती ने उन्हें करीब 8000 वोटों से हरा दिया है। दोनों हाथ जोड़ के माइक को प्रणाम कर रहा हूं। मैं दतिया की जनता को, पूरी विधानसभा की जनता को प्रणाम, उनके सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। आभार ग्रामीण जनता का भी और शहर की जनता का भी। किसी ने कहा है ना कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्म पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी। माननीय अटल जी की पंक्तियां हैं शायद, या किसी कवि की। देखो, जनादेश को हमेशा मित्रों सरमाथे पे लेना चाहिए और जनता का निर्णय हमेशा सही होता है। हो सकता है हम सही विकास नहीं कर पाए हों और इसलिए आने वाले को अवसर देना चाहिए कि वो हमसे अच्छा शायद करे, जनता की ऐसा सोचना होगा। हमने जनता की सेवा शायद अच्छी नहीं कर पाई। कैसे नहीं कर पाई? दतिया की जनता ने उन्हें चुनाए, वो हमसे ज्यादा अच्छी कर पाएंगे, हमसे ज्यादा अच्छा गरीबों का इलाज करा पाएंगे, हमसे ज्यादा अच्छा गांव की बिजली की पानी की व्यवस्था कर पाएंगे, ऐसा दतिया की जनता ने माना होगा। ये हमें मानना चाहिए और इसी को हमेशा ध्यान में रख के हमें उन्हें स्पेस देना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कहां गलती हुई है सोचें और विचार करें। ये हमको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो त्रुटि होती ही है अपन से, और इसलिए हमें इस तरह के काम और खास करके समीक्षा इतनी ज्यादा नहीं करने कि हम एक दूसरे की समीक्षा में इतना जरूर। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार आपकी, ललकार आपकी और दरकार भी आपकी। किंचित भ्रम में मत आ जाना। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। ज्यादा समय आप भी जानते हो शांत रहने वाला जीव नहीं हूं, लेकिन उनको अवसर जरूर देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। मेरा कार्यकर्ता मेरे प्राणों से प्यारा तब भी था और अब भी। तब आपको लगता होगा, तब आपको लगता होगा कि मैं चुनाव के कारण कह रहा हूं, पर मित्रों सच में कार्यकर्ताओं में मेरे प्राण बसते हैं, वो जीतूं या हारूं ये तय मान के चलना। और इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल चिंता नहीं करना, सरकार आप ही की, जनता के लिए उसको करने दो, कार्यकर्ताओं के लिए मैं करूंगा।
आपके बीच में इसी कार्यालय पे ऐसे ही मिलूंगा। सबने कहा था कि कोई भी दिक्कत आपकी वो आपकी नहीं होगी, नरोत्तम की। कोई भी परेशानी आपकी नहीं होगी, नरोत्तम की होगी। कोई भी समस्या आपकी नहीं होगी, मेरी होगी। लेकिन कार्यकर्ता जनता ने उनको चुना है तो उनको काम करने दो। वो जैसा विकास करे, वो बीमार की जैसी तारीमदारी करे, वो जैसा सड़कों का विकास करे, पुल पुलिया का विकास करे, उनको वो विकास करे। लेकिन कार्यकर्ता के विकास की चिंता मेरी। धन्यवाद।